अधिनियम 1976 की धारा
कि जो ये संशोधन हुआ था, 42 का जो संशोधन हुआ है, इसकी धारा 55 है कि इसके बराबर और बाद में अगर जो कोई वो है संशोधन है तो उसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्निगत यानी कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अन्यथा शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संवैधानिक शक्ति पर किसी प्रकार का निवर्तन नहीं होगा। यानी कि शंका पूरा दूर करने के लिए यानी कि संसद में जो भी ये जो उसको शक्ति दी गई है इस शक्ति पर कोई भी संशोधन नहीं होगा। ये जो शक्ति होगी सिर्फ और सिर्फ संसद के हाथ में होगी। ये इसको भी चेंज करके हम हटा दें, इसमें ऐसा चेंज कर दें कि संसद से ये शक्ति ही ले लें, तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही रहेगी। तो अभी तक हमारे जो संशोधन हमारा जो संविधान है हमारे संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। 105 संशोधन हो चुके हैं और वो भी इस तरीके से जिसमें इनमें 104 में जो है हमारा जो आंवला जो है जो आंवला जो एक व्यक्ति है उनको उसमें संसद में रखने का एक था। काफी ऐसे चेंजेस लाए नेक्स्ट जो वर्ग बताई परिस्थितियों को देखते हुए, यानी ये जो संशोधन भी होंगे तो ये संशोधन ऐसे नहीं कि किसी भी कोई भी कहेगा कि इसमें ये गलती है, कोई भी व्यक्ति कहेगा समान संविधान में गलती है तो इसको संशोधन इनको संशोधित कर दिया जाए। उसके लिए पहले वगैरह से पहले देखा जाएगा कि क्या ये जो संशोधन है इससे कोई नुकसान हो रहा है और नुकसान हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, और अगर जो इसमें संशोधन करके लाभकारी है ऐसे ही किसी ने भी कहा कि इसमें गलत है तो उसमें संशोधन कर दिया जाए। दोनों सदनों के पास जाएगा वो विधेयक, पहले दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। दोनों सदन की अगर जो बहुमत से पारित होता है तब वो राष्ट्रपति के पास आएगा। दोनों सदन के व्यक्ति नहीं है संसद से नहीं है तो जितने भी है उनके 2/3 के बाद उस विधेयक को हम राष्ट्रपति के पास लेके जाएंगे और राष्ट्रपति की अगर